हमारी पूजा रेडी होने गणेशा स्वागत है आज मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। सभी भाई साहब बना जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको हैप्पी जन्माष्टमी। आज है हमारे कान्हा जी का बर्थडे, तो आज हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट, भजन करेंगे और वहाँ पे धूमधाम से उनका बर्थडे मनाएंगे। और वहाँ पे कौन कौन आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहना। और मैं अभी हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, आपने देख भी रहे होंगे कि कौन सा सूट पहन रखा है, कैसा पहन रखा है, डिजाइन विजाइन देख रहे होंगे। तो इसके अंदर ऐसा डिजाइन है, ये देखो आगे दिखा दूंगी मैं आपको कैसा गेटअप है इसका, बट अच्छा कपड़ा है, अच्छा डिजाइन, अच्छे इसमें फ्लोर जो भी है फ्लोर नहीं फल अच्छा डिजाइन है जो भी इसके अंदर। तो चलो आज हम कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने चलते हैं, और आप वीडियो में बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में रवाना होने के लिए। ये जिया, ये पियू, हेलो करो पियू, पियू को आ रही है नींद तो चलो पहुंचते हैं उधर। अभी हम पहुंच चुके हैं इधर, चलते हैं तैयारी स्टार्टिंग यहीं से शुरू कर लेते हैं। सर मम्मी का हमेशा तो आप लोगों ने अभी कान्हा जी को बैठाया नहीं, तैयारी चल। तो अभी हमारे कान्हा जी की तैयारी चल रही है, अभी उनको रेडी करेंगे, नहला धिला के मटकियां लगा दी आगे पीछे, अब उनको बैठाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और ये है हमारा गिफ्ट, ये गिफ्ट मैं लेके आई थी खाटू श्याम जी के, आपने देखा भी होगा ब्लॉग में। गाइस अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे कान्हा जी और अपने आसन पे बैठ भी गए हैं, ये देखो। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, देखो तो गाइस मैं भी रेडी हो गई हूँ, मेरे पेड़ की ओढ़नी ओढ़ ली है भगवान की पूजा करने के लिए। और ये हमारे भगवान बैठ चुके हैं, अब हम इनकी पूजा वगैरह करेंगे। इनका आज है हैप्पी बर्थडे, तो सभी आशीर्वाद लो भगवान से, सबकी इच्छा पूरी हो। अब धूम करके रेसल करके पिछले जा। गाइस बताइए डेकोरेशन कैसी लगी आपको? गाइस बताइए आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी, कमेंट करके। कान्हा जी दूध पी रहे हैं अभी। गाइस मैं बताना भूल गई, मैं आ गई थी घर पे खाना बनाने, लेडी जो बोली कि 8 बजे करेंगे भजन, तो हमने पूजा वगैरह उनको कपड़े उपड़े चेंज कर दिए थे, तैयार कर दिए थे और बैठा दिए थे। फिर अब मैं खाना बना के जा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है राजमा चावल, तो पापा डाल के खा लेंगे। अभी मैं जा रही हूँ फिर से वहाँ पे, तो पीयू का फोन आया कि मम्मा मेरी कान्हा जी की ड्रेस देखना, तो मार्केट खुला होगा। तो गाइस बज चुके हैं 8:15, मैं आ गई थी 7 बजे, तो मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में। तो अभी मैं फिर से वहीं जा रही हूँ जो अभी पूजा पाठ करेंगे दोबारे 8 बजे की। तो दिन में हमने थोड़ी सी पूजा वगैरह करी थी और उनको ड्रेस वगैरह पहनाई थी, तो चलो चलते हैं। बना दी राजमा चावल, राजमा की सब्जी जो पापा डाल के खा लेंगे, और इसमें बना दिया डायरेक्ट चावल। तो गाइस रात हो चुकी है, ये मेरी गाड़ी खड़ी, अभी इसमें बैठती हूँ। तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो गाइस यहाँ से ले लेते हैं ड्रेस कान्हा जी की और उसको रेडी करेंगे। तो ड्रेस पीयू की, जो आप गुस्सा नहीं होएगी मेरे से। मैं अभी आ चुकी हूँ मंदिर जो सजा रखा है, मंदिर आज ये अंदर से है।
सारी ड्रेस है ना, थैंक यू बोलो। रेडीमेड धोती तुम्हारी आवाज बोल रहा हूँ। गाइस हमारा फ्यू बिल्कुल कान्हा जी बन चुका है और रेडी भी हो गया है। ये प्यू देखो, वाओ, ओहो, बांसुरी भी बजा रहा है प्यू तो। ओहो गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, मेकअप हो रहा है कान्हा जी पीयू, मेकअप हो रहा है तेरा। फाइनली पीयू रूस गई है मेकअप कराता हुआ। ये हमारा कानो रूस गया है, अब मनाना पड़ेगा। क्या खाएगा? मक्खन? टॉफी। टॉफी खाएगा? कानू रूस गया। क्या चाहिए कानू को? और आइसक्रीम जाते टाइम दिलाएंगे, ठीक है? तो कानू रोने लग गया भाई। बस 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 बस, लड्डू गोपाल मेरा, लड्डू गोपाल काना मेरा, तू काना मेरा, मेरा लड्डू गोपाल मेरा, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा, कान्हा जी सो रहे हैं। अब ये 12 बजे जगेंगे, इनका जन्म होगा तब। हैं सो रहे हैं और लाइट ऑफ कर दो अब इनकी। 12 बजे होगा इनका जन्म, शायद मैं चली जाऊंगी घर। नाइट कान्हा जी, अब 12 बजे जगेंगे। कान्हा जी भी थक चुका है, अब ये सोने की संभावना और ये टॉफी से खेल रही है। ज्यादा पोज मत दो, ये पोज वाली हद है। Thank you।
हैं हमारे भजन। लहसुन छील ले जा रहे हैं अब। हैप्पी बर्थडे टू यू काना जी, 12 बज गए हैं, उठ जाओ आप। मुझे भी अच्छा लगा। सब चलते हैं घर, प्रोग्राम हो गया है खत्म, मिलते हैं आपको गाड़ी में। यहाँ पे हो रहे हैं भजन रास्ते में हमारे घर जाते टाइम। यहाँ पे बड़ा धूमधाम से मनाएंगे भाई। मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, अब जा रही हूँ मैं घर। घर जाके मुझे बनाना है अभी खाना, 10:30-11 बज चुके हैं और इतनी लेट तक तो नहीं रुक सकते क्योंकि फिर लेट मैं अकेली हूँ ना, फिर बच्चों के साथ में तो 1-1.5 बजे जाना हो, जन्मदिन 12 बजेंगे। तो इसलिए आई होप आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको कोई अगले ब्लॉग में, जब तक टाटा बाय बाय, सी यू।